विस्फोटक न्यूज के प्रायोजक हैं रेड प्रो रियल स्टेट डेवलपर्स। दिल्ली की केजरीवाल सरकार को बड़ा झटका, एलजी विनय सक्सेना ने डीडीसी उपाध्यक्ष को किया बर्खास्त, दफ्तर में लगवाया ताला। राहुल गांधी को मिला धमकी भरा पत्र, ये पत्र मिला है जूनी इंदौर थाना क्षेत्र में मिठाई की दुकान पर। मिली जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी को इंदौर पहुंचने पर बम से उड़ाने की धमकी मिली है। फारूक अब्दुल्ला ने छोड़ी नेशनल कॉन्फ्रेंस की कमान, अध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा, 5 दिसंबर को नए अध्यक्ष के लिए हो सकते हैं चुनाव। सुप्रीम कोर्ट की कार्यप्रणाली को लेकर सीजीआई का आया बयान, चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने बताया एससी रोजाना 10 ट्रांसफर याचिकाओं और 10 जमानत मामलों की करेगा सुनवाई। राहुल गांधी को मिला तुषार गांधी का साथ, भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए महात्मा गांधी के प्रपोत्र, कांग्रेस बोली ये ऐतिहासिक दिन। आप नेता ने बीजेपी प्रवक्ता को घेरा, मुकेश गोयल बोले मेरा फेक वीडियो चलाने पर संबित पात्रा के खिलाफ करूंगा मानहानि का केस। समाजवादी पार्टी नेता आजम खान को एक और झटका, अब नहीं दे पाएंगे वोट, निर्वाचन आयोग ने वोटर लिस्ट से नाम हटाने के दिए आदेश। फिलिस्तीन के गाजा में एक शरणार्थी शिविर की इमारत में लगी भीषण आग, 21 लोगों की गई जान, दर्जनों लोग हुए घायल। यूक्रेन में छाया अंधेरा, 1 करोड़ लोग बिना बिजली के रहने को मजबूर, राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की बोले रूस ने तबाह किए पावर ग्रिड। अंतरिक्ष की दुनिया में भारत ने रचा इतिहास, देश का पहला प्राइवेट रॉकेट विक्रम एस श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक हुआ लॉन्च। टाटा ग्रुप का बड़ा ऐलान, टाटा समूह अपनी सभी एयरलाइंस का एयर इंडिया में कर सकती है विलय, विस्तारा ब्रांड्स खत्म करने की तैयारी। भारत न्यूजीलैंड का पहला T20 मैच हुआ रद्द, बारिश ने किया मजा किरकिरा, वेलिंगटन में लगातार हो रही बारिश की वजह से मैच हुआ रद्द। अजय देवगन और तब्बू स्टारर फिल्म दृश्यम 2 को लगा बड़ा झटका, रिलीज के पहले दिन दृश्यम 2 तमिल रॉकर्स और कई वेबसाइट्स पर ऑनलाइन हुई लीक।